हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुज कॉर्नर में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट्स रेसिपी, जो बच्चों को स्नैक्स के रूप में बहुत ही पसंद है और एकदम बाज़ार जैसी बनके तैयार होगी। यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल गरम किया है और उसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, कटा हुआ लहसुन। उसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अभी मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज को भी। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का गुलाबी करना है। ज़्यादा क्रंची क्रंची रखेंगे इनको। और अभी मैं इसमें बारीक कटे हुए शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, कैबेज, फ्लावर, जो सब्जी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च को भी हम अच्छे से पका लेंगे। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मकई, स्वीट कॉर्न। मैंने घर पे ही भुट्टे लेके उनके दाने निकाले थे। ये फ्रोजन वाले स्वीट कॉर्न नहीं है, अमेरिकन कॉर्न है। इनको हाफ कुक कर लेंगे हम। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट हमें स्वाद के अनुसार डालना है। इनको मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश्ड गार्लिक, क्रश करके रखा था मैंने वो वाला लहसुन है ये। और अभी इसमें डाल रही हूँ, इसमें मैंने टमाटो केचप और चिली सॉस दोनों को मिक्स किया है, 1 कप है। तो इन दोनों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और अभी हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा मिक्स, 1 से 1.5 चम्मच टेस्ट के लिए। इनको मिला लेंगे हम, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अभी इसमें मैं 2 कप चीज़ ऐड करूँगी, तो ये चीज़ी चीज़ी पिज़्ज़ा पॉकेट्स बनके तैयार हो जाएंगे। चीज़ हमारा मेल्ट हो गया है, देखिए उसकी स्टफिंग कितनी चीज़ी चीज़ी बनके रेडी हुई है। बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनी है। अभी हम इसे ब्रेड पे भरेंगे, ठंडा कर लेंगे पहले इसे, फिर भरना है हमें। अभी मैंने ब्रेड लिया है सैंडविच ब्रेड, और उसकी साइड्स को मैं कट कर दूंगी। चारों साइड्स को कट कर लेंगे हम अच्छे से शार्प नाइफ से। और उसके बाद बेलन से उसे फ्लैट कर लेंगे। और अभी एक साइड पे अच्छे से हम स्टफिंग भर देंगे। और अभी हम इसे सील करेंगे। सील करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश से पानी लगा रही हूँ। अच्छे से पानी लगाएंगे, कम पानी लगाएंगे तो वो सील नहीं होगा। देखिए अभी हम इसे फोल्ड कर देंगे और अच्छे से सील कर देंगे। फिंगर से हम इसे लॉक कर देंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बन के रेडी है। ऐसे ही हम बाकी भी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना के तैयार कर लेंगे। और अभी मैं इसे एयर फ्रायर में रख रही हूँ। मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री पे रीहीट कर लिया था, और अभी मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा है। ऊपर मैं ऑयल की ब्रशिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर तवे के ऊपर रोस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास ओवन नहीं है तो आप उसे फ्राई कर सकते हैं। और 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के निकाला है। देखिए एकदम बन के रेडी हो गए हैं। कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे पिज़्ज़ा पॉकेट्स बन के रेडी हुए हैं।
बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि इसमें चीज़ है और पिज़्ज़ा का टेस्ट है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।